अनुराग जी, देखिए आपने वफा जी की बात भी सुनी और एक ट्वीट जो है वो स्वतंत्र देव सिंह ने किया, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। समाजवादी इत्र की गंध खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदर बाट में अरबों कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा की अजब गजब माया, दोनों का एक सम्मिलित जवाब दें। देखिए उनके पास 5 साल का काम बताने को नहीं है तो झूठ और जुमला लेके आ गए चुनाव के 1 महीना पहले। अगर इतनी हिम्मत थी स्वतंत्र देव सिंह में, इतने ही बहुत बड़े वो थे तो 5 साल पहले शुरू कर लेते ना, बता देते किसने क्या खाया, तब चुपचाप क्यों बैठे थे घर के अंदर में, क्यों अपने बिल में घुसे हुए थे, तब स्वतंत्र देव सिंह के मुंह पे ताला लगा था क्या? अब 1 महीना आया तो झूठ सच फैलाना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, ये जनता का काम नहीं गिनाएंगे, आज जनता के बारे में नहीं बताएंगे कि इन्होंने 5 साल में काम क्या किया, कोई काम किया तो बताएंगे ना, एक काम बता दे जो इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, है ही नहीं बताने को। समाजवादी जो मॉडल बना के गए हैं, एक्सप्रेस वे किसने स्टार्ट किया? समाजवादियों ने, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, किसका है? समाजवादियों की सोच है, समाजवादियों ने बनाया। किसका है मेट्रो? समाजवादियों की देन है, समाजवादियों ने बनाया। अब उसको आगे बढ़ाने का काम भी नहीं कर पाते। मेडिकल हॉस्पिटल किसने बनाए? चाहे यहां पे बांदा का मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे यहां अयोध्या मेडिकल हॉस्पिटल हो, या लखीमपुर का हो, सीतापुर का हो, लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल हो, या जौनपुर का हो, या एम्स की जमीन चाहे वहां पे दी गई हो गोरखपुर में, आप बताइए ना, बदायूं का हो, चाहे कितने मेडिकल हॉस्पिटल हम गिना दें, जिस मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड काल में लोगों का इलाज हुआ, इन्होंने एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बनाया, सोचिए आप, एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बनाया। और यहां पे यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 10 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, एक यहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए, ये हालत इनकी है। अब लैपटॉप बांटने की इन्होंने वादा किया था, अब जब चुनाव का 1 महीना बचा है, इन्हें लगा कि हम हार हमारे दरवाजे पे खड़ी हो गई है, और समाजवादी पार्टी में जनता ने चुन लिया है, भीड़ का हुजूम नजर आ रहा है, भागे योगी जी पैदल पैदल, जल्दी लाओ, जल्दी कहां से लाओ, टैबलेट बांटना है करके बौखला के अब टैबलेट देने आए। अरे यही चीज आपने 5 साल पहले दे दी होती तो बच्चे पढ़ जाके बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो जाता, नौकरी पा गए होते, आपने अगर पहले दिया होता, 5 साल आप उनकी जिंदगी से खेल रहे, उनको पढ़ने से आपने रोका, उनको वंचित किया, उनको पढ़ाई से पहले दे देते तो बच्चे पढ़ जाते, जैसे समाजवादी ने सरकार आते ही लैपटॉप दे दिया था, जिससे 12th क्लास की बच्चियों ने पढ़ा और बच्ची पढ़ के आज नौकरियां कर रही हैं। इन्होंने क्या दिया? अनुराग जी, जाने के पास एक महीना पहले कौन सा कंपटीशन दे देंगे ये, जरा बताइए इनसे। अब अनुराग जी का कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने विकास की राह दिखाई और उस राह पर चलने का प्रयास आपने किया, और जो जितने भी शिलान्यास आज आप कर रहे हैं, या अच्छा विकास भी नहीं किया आपने, तो विकास भी नहीं किया उनके दिखाए रास्ते पर, आप चल भी नहीं पाए। हमारे समाजवादी नहीं समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का या तो नाम नंबर और पिता काट रहे हैं, कैंची घूमते रहते हैं, कहां कैंची काटे हैं बताओ, सुबह उठ के कैंची काटते घूमते रहते हैं, आप बताइए योगी जी सुबह उठते हैं बोलो ऐसे आंख मलते ओ, और बताओ भैया समाजवादी का काम कहाँ है, चलो कैची लाओ, ए प्रमुख सचिव कैची लाओ, ए डीएम साहब, अच्छा चलिए जवाब लेते हैं, समाजवादी का काम है, हाँ सर वहाँ रोड समाजवादी की बनी है, तुरंत कैची काटने पहुंच जाते, फिर नींद से दूसरे दिन उठते, वाओ ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी हमें आपकी बात समझ में आ गई, चलो फ्लाईओवर और दौड़े दौड़े जाते हैं, थोड़ा सा गंभीरता लेकर आते हैं, फ्लाईओवर का पिता का थोड़ी सी गंभीरता हम लेकर आते हैं, एक बार सुनिए, फिर सुबह उठते हैं कहते नहीं एक नहीं मुझे एक सेकंड और, फिर सुबह उठते बोले क्या हुआ, बोले वहां इंटरनेशनल मैच हो रहा है, बोले कहां, बोले लखनऊ के इंटरनेशनल स्टेडियम में, अच्छा मैच हो रहा है चलो उसका उद्घाटन कर दें, अरे महाराज मैच हो रहा है, अरे जल्दी नाम बदल के कर देंगे, गए पिता लेके मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले स्टेडियम का नाम बदल के उद्घाटन करते हैं। देखिए इस मुद्दे पर मेरी अनुराग जी आपके पहले भी बहस हुई है, इसलिए मैं वापस इस पर नहीं आना चाहती, लेकिन ये बात सही है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी बात कही थी और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया था कि कितना प्रतिशत काम आपने किया और कितना प्रतिशत काम बीजेपी ने किया। देखिए विकास जो है एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, विकास एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अब अगर कांग्रेस ये कहती रहे कि पूरे देश में विकास ने कराया किसी ने और कुछ किया नहीं, तो ये भी तो संभव नहीं है ना। चलिए जफर जी अब आप बोले, एक मिनट जफर जी बोले। देखिए जिस तरह से बेचैन होके, जो लगता है कि बेचैन आत्मा किस तरह से बिहेव कर रही है, वो सामने उसका नजारा देखा पूरे देश की जनता देख रही है। बहरहाल मैं जवाब देता हूं संजीदगी से, हकीकत है कि अगर इन्होंने इतना जो बता रहे हैं, जो झूठ का पुलिंदा जो खोल रहे हैं यहां पर कि हमने ऐसे ऐसे काम किए थे, बाप रे बाप, तो
आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जब इनको हटाया गया था, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे प्रचंड बहुमत से किसी पार्टी को नहीं हार हुई थी जो अभी सरकार में थी, इस तरह की हार जैसी इनको हार जमीन में, बिल्कुल जमीन में जो है लिटा दिया। क्यों? धूल चाटने पड़े इनको। क्यों? उसकी वजह यह थी कि इन्होंने कुछ नहीं, कुछ भी जनता को राहत नहीं थी। आज राहत है जनता को, गुंडा राज, मवालियों का राज, और खास मतलब कुछ समुदाय के लोग ही वहां पर खुश थे, पूरी जनता जो है नाखुश थी। और सही बात तो यह है, आप मुझे यकीन से बता रहा हूं कि आज जनता से अगर आप पूछिए तो बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, आज विकास के दौर में तेजी से जो है उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है। अरे भैया, इतना विकास किया तो क्या जीडीपी में, जीएसडीपी में क्यों नहीं दिखता था? पर कैपिटा इनकम में क्यों नहीं दिखता था? वो क्या तुम खा गए थे क्या? तुम्हारे घर में चला गया था पर कैपिटा इनकम जो आज बढ़ रहा, डबल हो गया 5 साल में, बजट का साइज बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, तुम्हारा जीएसडीपी बढ़ गया, हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी बढ़ गया, तो कहां से आया भाई ये? आप अगर करते तो आपने क्या पैसे मलाई खा गए थे क्या? इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आपने इतने काम किए थे तो काहे नहीं ग्रोथ दिख रहा था, काहे बीमारू स्टेट था? ये मेरे आंकड़े नहीं, आपके आंकड़े थे। मैं अपने आंकड़े के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, आपके समय के आंकड़े को लेके देख लीजिए और हमारे समय के आंकड़े को देख लीजिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी हम नंबर 2 पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 है। और लक्ष्य देखिए हमारा लक्ष्य देखिए कि हम नेशनल जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। ये लक्ष्य है, एक अच्छी सरकार की जो निशानी होती है कि वो आगे बढ़कर देश में जो है उसका योगदान बढ़ाना चाहती है। ये गुंडे मवालियों के साथ लूट पाट कोट कोट करने वाले, आप स्टेट जीएसडीपी जो इनके डाटा है उसी से देख लीजिए, आप पर कैपिटा आम आदमी की इनकम को देख लीजिए। ये कुछ लोग सिर्फ चिन्हित लोग जो है पैसा बना रहे थे, ठीक है, लूट रहे थे, आज आईटी रेड में पकड़ाए हैं तो इनको बेचैनी हो रही है। मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बोल दिया, सीधा सीधा बता दे उनके बारे में भाई। अनुराग जी ने तमाम कमियां गिनाई और आप उनकी पार्टी की कमी गिना रहे हैं। मैं इससे आगे बढ़कर एक कदम आपसे ये पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए तमाम भारतीय जनता पार्टी में कमी रही और आपकी सरकार ने विकासवाद का काम किया, खूब विकास किया, लेकिन जनता को आप कन्विंस तो नहीं कर पाए, आपकी सरकार चली गई, क्या वजह रही? जनता को कन्विंस तो आप नहीं कर पाए ना। अब एक चीज वही मैं कहता हूँ, झूठ जो होता है ना बहुत जल्दी फैलता है, आप जानते हो ना झूठ। आप बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मंत्री विधानसभा में खड़े होके कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री कि कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से एक की भी मौत नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा झूठ इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बोल सकता है क्या? माने कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने रिश्तेदारों को नहीं खोया? कौन सा ऐसा आपने सीन नहीं देखा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन के बगैर रोडों पे तड़पते हुए मरते हुए देखा गया? कैसा था आलम था कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, लोग किसके किसकी सिफारिश नहीं लगा रहे थे कि किसी तरह से मेरे परिवार को बचा लिया जाए? अगर आपको चाहिए तो मैं अपने ट्विटर के सारे भेज दूंगा हजारों, कैसे लोग एक दूसरे के बदहास होकर मदद मांग रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दीजिए, लोग लिए सिलेंडर ऑक्सीजन का इधर से उधर घूम रहे थे, कोई बच जाए, किसी की जान बच जाए, लेकिन जाने बच नहीं पाई। मौतों का आलम यह था कि आपने देखा था शमशान घाट पर लाशों का ढेर लगा था, शमशान घाट पर लकड़ियां कम पड़ गई थी, और अव्यवस्था का आलम यह था कि नदियों में लाशें तैरती नजर आ रही, जानवर उनको नोच रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कहते हैं कि एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, और ये दोबारा झूठ क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारी तो तारीफ हो रही है। बोला कौन तारीफ कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी तारीफ कर रहा है, सोचो ऑस्ट्रेलिया का एमपी की तारीफ कर रहा है। बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, मेरे पर ऑक्सीजन की कमी है, लखीमपुर का सुन तो लीजिए, सीतापुर का समय खत्म हो रहा है, देखिए मेरी मजबूरी है, पूरे 40 मिनट आप दो ही प्रवक्ताओं के लिए थे, एक छोटा सा सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा, मैं फिर क्लोज कर रही हूं। दो सेकंड मुझे बोलने दीजिए, टोकिए नहीं, यहाँ सीतापुर का लखीमपुर का एमपी कह रहा है, लोग हो रही है, विधायक सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, जो आज मंत्री कौशल किशोर, जो आज आपके परिवारवाद वाले लोग, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।